हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वेब डिज़ाइनिंग का अगला जो चैप्टर है वो कवर करने वाले हैं। हमने एक चैप्टर पूरा कवर कर लिया था, अब देखते हैं दूसरा चैप्टर हमारा कौन सा है। तो आज का हमारा वीडियो जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा सेकंड लेसन के ऊपर, जिसका कि नाम है एडिटर। एडिटर क्या होते हैं, जिनके द्वारा हम कोडिंग करते हैं, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, जिनके द्वारा हम किसी सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं, जिनके द्वारा हम कोई वेब पब्लिशिंग का कार्य करते हैं, जिनके द्वारा हम कोई कोडिंग करके एक वेब पेज तैयार करते हैं, उनको क्या कहते हैं, एडिटर्स कहते हैं। चूँकि हम आगे HTML, CSS, CSS फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करेंगे तो उसके लिए हमें एडिटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो एडिटर हमें समझ में आ गया कि एडिटर होता क्या है। एडिटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक विशेष स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए यूज में लिया जाता है, जिसमें हम HTML, CSS, JavaScript की क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे, उसे कहते हैं एडिटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उस एडिटर को डाउनलोड कैसे करते हैं, एडिटर कौन कौन से होते हैं, जैसे नोटपैड प्लस प्लस है, नोटपैड है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, इनका किस प्रकार से हम यूज करते हैं, इनमें एक फाइल बना के अपन चेक करेंगे, इसकी एडिटिंग करेंगे और फाइल को सेव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इनकी थ्योरिटिकल अपन नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको वन बाय वन ये एडिटर दोनों डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा। तो एडिटर क्या होते हैं, एडिटर ये हमने पहले कवर कर लिया था, वेबसाइट भी हमने कवर कर ली थी। हमारा टॉपिक यहां से रहेगा, यहां से यूनिट नंबर टू है, लेसन नंबर टू है टेक्स्ट एडिटर। सबसे पहला टेक्स्ट एडिटर आता है नोटपैड। कौन सा आता है, नोटपैड। नोटपैड को किसने बनाया था, रिचर्ड बोर्डी ने बनाया था। किसने बनाया था, रिचर्ड बोर्डी ने बनाया था। जो नोटपैड होता है, जो नोटपैड होता है वो एक सिंपल सा एक टेक्स्ट एडिटर होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट के जो विंडोज होती है उसके हर वर्जन के साथ में बाय डिफॉल्ट शामिल किया जाता है। नोटपैड यूजर को प्लेन टेक्स्ट फाइल खोलने, उसे पढ़ने और बनाने में हेल्प करता है। इस टेक्स्ट एडिटर को में तैयार की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .txt उसका एक्सटेंशन होता है। .txt के साथ में उसको क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रत्येक माइक्रोसॉफ्ट की विंडो के साथ में बाय डिफॉल्ट आता है नोटपैड। यहाँ पे अपन सर्च करेंगे नोटपैड, ये देखिए नोटपैड का आइकन आ गया, ये नोटपैड है। इसमें आप टेक्स्ट केवल क्या लिख सकते हैं, टेक्स्ट ही लिख सकते हैं। इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .txt। डॉट क्या होता है, txt। किसने बनाया था, रिचर्ड बोर्डी ने बनाया था। हर विंडोज के हर वर्जन के साथ में क्या आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये आता है। इसकी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .txt होता है। अभी अपन इनमें फाइल बना के भी देखेंगे, इनको डाउनलोड भी करके देखेंगे। दूसरा ना कौन सा है, नोटपैड प्लस प्लस। अगर आपको नोटपैड अच्छा नहीं लगे या उससे थोड़े एडवांस आपको फंक्शन चाहिए तो आप किसका यूज कर सकते हैं, आप नोटपैड प्लस प्लस का यूज कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस एक टेक्स्ट एडिटर के साथ एक सोर्स कोड एडिटर भी होता है, मतलब इसमें आप किसी वेब पेज का क्या लिख सकते हैं, सोर्स कोड लिख सकते हैं, जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। इसमें टैब सिस्टम होने के कारण आप एक साथ एक से अधिक फाइल ओपन करके रख सकते हैं। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब अपन इसको डाउनलोड करेंगे। इसमें क्या है, बहुत सारी ऐसे, ये जैसे आपका नोटपैड प्लस प्लस है, इसमें ये टैब्स होती है, क्या होती है, टैब्स होती है। आप इसमें एक फाइल खोल सकते हो, इसमें दूसरी फाइल खोल सकते हो, इसमें तीसरी फाइल खोल सकते हो, अर्थात मल्टीपल फाइलों के साथ में अगर कार्य करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, नोटपैड प्लस प्लस का। यह क्या होता है, यह फ्री होता है, इसलिए आप इंटरनेट से इसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। नोटपैड को किसने बनाया था, डॉन हो। किसने बनाया था, डॉन हो के द्वारा। सितंबर 2003 में इसका निर्माण किया गया था, इसे डॉन हो द्वारा डेवलप किया गया था। ये भी मैं आपको डाउनलोड करके और एक HTML की फाइल बना के आपको दिखाऊंगा। इसकी क्या विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है।
आपके द्वारा टाइप किए गए टेक्स्ट को यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अनुसार अलग अलग कलर में देता है, जिससे कि आपको प्रोग्रामिंग करने में हेल्प लगती है। मतलब अलग अलग जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे उनका कलर क्या करेगा, ये मल्टी कलर कर देगा। नोटपैड में कितनी लैंग्वेज में कार्य कर सकते हैं, 67 लैंग्वेज में कार्य कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस में प्लग इन को ऐड करने का ऑप्शन भी है। टेक्स्ट को सिलेक्ट कर आप राइट क्लिक कर कमेंट कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में कार्य कर रहे हैं या खुद की लैंग्वेज के अनुसार कमेंट लगा देता है। तो आप कमेंट लगाना हो आपको तो क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक, टेक्स्ट पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो क्या लग जाएगा, कमेंट लग जाएगा। जैसे कमेंट किया वैसे ही अनकमेंट भी कर सकते हैं, मतलब आपने जैसे कमेंट लगाया वैसे उस कमेंट को हटा भी सकते हैं। जब आप राइट क्लिक करके अपर केस से लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करने का इसमें भी ऑप्शन होता है, जिसमें भी कार्य करके आप जिस लैंग्वेज में कार्य कर रहे हैं उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। एक साथ एक से अधिक फाइल को आप इसमें ओपन कर सकते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया था। यदि आप किसी फाइल में कुछ चेंज करते हैं और यदि वो सेव नहीं कर पाते तब भी वह फाइल सेव ही रहती है, मतलब इसमें ऑटो सेव का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तीसरा जो अपना कोड एडिटर आता है वो आता है सबलाइम। कौन सा आता है, सबलाइम टेक्स्ट कोड एडिटर। इसे जॉन स्किनर ने डेवलप किया था। यह एक शेयरवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। शेयरवेयर क्या होता है स्टूडेंट, कुछ दिनों के लिए तो क्या होता है, फ्री में उपलब्ध होता है। कुछ दिनों के लिए तो क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उसके बाद इसको क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। कुछ दिन अगर अपन इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा ये सॉफ्टवेयर किस टाइप से कार्य कर रहा है। अब यदि हमें लगे कि ये सही है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट रूप से किस लैंग्वेज के साथ में आता है, पाइथन लैंग्वेज के साथ में आता है। पाइथन के अलावा यह विभिन्न मार्कअप लैंग्वेज जैसे HTML है, CSS है, इनको भी सपोर्ट करता है। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा फाइल को क्विक नेविगेट, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस सॉफ्टवेयर के द्वारा आराम से जा सकते हैं। यह एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर होता है। अब ये क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर कैसे, कि एक कंप्यूटर में आपने सबलाइम में कोई प्रोग्राम बनाया तो वही प्रोग्राम सेम टू सेम आप दूसरे कंप्यूटर में आसानी से चला सकते हैं। उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो, आप एक कंप्यूटर का प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर में आसानी से चला सकते हैं। यह डेवलपर के द्वारा ज़्यादा यूज किया जाने वाला एडिटर है। जो भी वेब डेवलपर होते हैं उनके द्वारा सबसे ज़्यादा यूज कौन सा सॉफ्टवेयर किया जाता है, सबलाइम किया जाता है। इसमें कई फीचर उपलब्ध हैं, जैसे सिंटैक्स हाईलाइट हो जाता है, ऑटो इंडेंटेशन हो जाता है, साइड बार इसमें आती है, जिससे कार्य करना यूजर को क्या हो जाता है, आसान बन जाता है। तो आई होप आपको डेफिनेशन इनकी समझ में आ गई होगी। अब एक एक को मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ। अपने तीन सॉफ्टवेयर थे, एक नोटपैड था जो कि बाय डिफॉल्ट आता है, दूसरा होता है नोटपैड प्लस प्लस जो हम डाउनलोड करेंगे, और तीसरा सबलाइम। तो खोलते हैं गूगल क्रोम को। गूगल क्रोम को हम ओपन करते हैं और इसमें लिखते हैं नोटपैड प्लस प्लस, इतना ही आपको लिखना है। ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये इसके विभिन्न वर्जन है, आपको जो वर्जन लेना है उस पर आप क्या कर दो, क्लिक कर दीजिए। अब नीचे एक डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर डाउनलोड कर दीजिए। अब जैसे ही आपने डाउनलोड पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे डाउनलोड क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। अब अगर आपको इसको इंस्टॉल करना है वो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने दो यस नो के ऑप्शन आएंगे, आपको यस करना है, फिर ओके करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर एग्री करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। और अगर आप इसका आइकन शॉर्टकट डेस्कटॉप पर चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके क्या कर देना है, इंस्टॉल कर देना है। अब कुछ समय ये लेगा इंस्टॉल होने में, देखिए इंस्टॉल हो गया। और अगर आपको रन करना है तो आप इस पर क्लिक कर दें रन, अभी अपने को रन नहीं करना है तो मैं फिनिश कर रहा हूँ। अब ऐसे ही सबलाइम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड लिख सकते हैं आप। ये देखिए सबलाइम का ऑप्शन आ गया है यहाँ पर। अब आपको विंडोज के लिए करना है तो आप विंडोज पर क्लिक करेंगे। ये देखिए डाउनलोड यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से दोनों सॉफ्टवेयर को अपन डाउनलोड करके देख लेते हैं, फिर तीनों में एक एक फाइल बनाएंगे।
नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, कुछ समय प्रोसेस में लेगा ये, उसके बाद में क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, फिनिश कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर नोटपैड का अपना आइकन आ चुका है, या आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। देखिए नोटपैड, नोटपैड पे डबल क्लिक करेंगे अपन तो देखिए इसका क्या आ चुका है, इंटरफेस आ चुका है। ठीक है, अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक कर सकते हो। पहले मैं इसको सिंपल एक फाइल बना के आपको दिखाता हूँ, HTML की, HTML हेड टाइटल डेमो, टाइटल क्लोज और हेड क्लोज, बॉडी ओपन और हेलो हाउ आर यू, बॉडी क्लोज। ये अभी मैंने आपको बताया नहीं है, HTML चालू करेंगे तब बताएंगे, मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे आपने कोडिंग कर दी, कोडिंग करने के बाद में आपको किस में जाना है, फाइल में जाना है। अगर इस फाइल को सेव करना है तो सेव पे क्लिक कर देंगे, और चूंकि अपन ने HTML की कोडिंग करी है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ok.html, HTML का एक्सटेंशन लगाएंगे। ये देखिए ok नाम से फाइल वेब ब्राउजर में आ चुकी है। अभी आपको मैंने विशेषता में बताया था कि ये अलग अलग स्टेटमेंट को अलग अलग कलर में दिखाता है, देखिए अलग अलग कलर में दिखा दिया। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके वेब पेज के अंदर हेलो हाउ आर यू ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप नोटपैड प्लस प्लस में कार्य कर सकते हो। यही कोडिंग अपन कॉपी करके और इसको सबलाइन में करते हैं, सबलाइन टेक्स्ट सर्च करके यहां से सबलाइन टेक्स्ट आ जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये ओपन नहीं हो जाए। ये देखिए ओपन हो चुका है, बहुत ही सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। इसमें भी वही कोडिंग अपन करते हैं, देखिए इसमें ऑटो इंडेंटेशन भी हो जाता है। देखिए अब अगर अपन HTML को बंद करना चाहते हैं तो देखिए HTML टाइप ही नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक ही क्या हो गया, क्लोज हो गया। इसको भी अपन क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में जैसे मैं चाहता हूँ इसको डेस्कटॉप पे सेव करूँ और न्यू डॉट HTML के नाम से सेव करूँ। ये देखिए न्यू डॉट HTML आ चुका है, और इसको भी ओपन करेंगे तो वही मैसेज आपको दिखाई देगा, क्योंकि अपन ने कोडिंग क्या करी है, सेम ही ली है। उसके बाद में आपको नोटपैड में वही कोडिंग करके दिखाता हूँ। नोटपैड ये बाय डिफॉल्ट आता है, नोटपैड सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, ये सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। ये देखिए नोटपैड, अब इसको भी सेव करते हैं और नया नाम देते हैं कुछ gpcc.html। ये देखिए pcc.html आ चुका है, और देखिए वही मैसेज आएगा सेम टू सेम, क्योंकि अपन ने कोडिंग तीनों में सेम करी है। तो आई होप आपको इनकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, इनकी कैसे इनको डाउनलोड करते हैं वो समझ में आ गया होगा, कैसे इनका यूज़ करते हैं वो समझ में आ गया होगा। ये तीनों सॉफ्टवेयर में से हम आगे जब HTML की कोडिंग करेंगे, तीनों में से आप किसी भी एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। आप भी अपने कंप्यूटर में इनको डाउनलोड करके देखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, छोटा सा अपना एक वीडियो था ये, क्योंकि लेसन में इतना ही बता रखा है कि आपको कैसे इनको इंस्टॉल करना है, कैसे उनका यूज करना है, कैसे इनके अंदर कोडिंग करनी है, कैसे इनकी एडिटिंग करनी है, और एडिटर होते क्या हैं। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।